हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेड इंटरनेशनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है B1 और B2 वीज़ा कैटेगरी के बारे में, कि जो इनके जो स्लॉट्स हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर भी, और कुछ न्यूज़ चैनल भी है यूट्यूब पर भी, जो बता रहे हैं लोगों को कि जो B1 B2 के स्लॉट्स हैं वो 500 डेज के बाद के अवेलेबल हैं, और वो स्लॉट्स नहीं मिलने पाएंगे या नहीं मिलेंगे आगे, या अभी नहीं मिल रहे हैं, ऐसी कुछ लाइक बातें फैला रहे हैं यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोगों का इस पे, इस चीज़ से बहुत सारे लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इवन उस वीडियोस को देखने के बाद कुछ काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर ये अभी हम कैसे लाइक अप्लाई कर रहे हैं, हम इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि 2 साल के बाद अप्लाई करें। सो इस चीज़ को देखते हुए आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनाने चाहिए, सो डैट कि लाइक आपको पता चले कि इसकी रियलिटी क्या है। इज इट रियल कि आपको नहीं मिलेंगे ऐसे स्लॉट्स, या फिर ये जस्ट एक मिथ है? तो इस चीज़ को हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे कि कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है। वी विल टॉक अबाउट इट एंड इज इट अ मिथ, इज इट रियल और इज इट नथिंग। सो लेट्स गो टू द वीडियो एंड लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। और इफ़ यू वॉन्ट कि मैं किसी को स्पेसिफिक चीज पे वीडियो क्रिएट करूँ तो कमेंट्स में आप मैंशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो में इस बात करते हैं कि जो काफ़ी देर से लाइक मैंने भी काफ़ी वीडियोज देखी हैं यूट्यूब पे, कि जो बता रहे हैं कि 500 डेज के बाद के स्लॉट्स मिल रहे हैं या मिलेंगे या ऐसा कुछ। हर एक अपना एक लाइक एक्सप्लेन करने का तरीका है। कुछ उसमें से बोल रहे हैं कि मिलेंगे, कुछ बोल रहे हैं कि मिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि आगे स्लॉट्स ओपनिंग ही होंगे B1 B2 के लिए, इसलिए अब अप्लाई ना करें। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग कि जो भी ये बातें फैला रहा है, लाइक इट्स नॉट ऑब्वियस कि जो आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो वो चीज़ सही है। जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसको चेक करें कि वो कितने परसेंट ऑथेंटिक है, क्या वो चीज़ जो बोल रहा है वो कोई लॉजिक चीज़ रखता है, या उसके पीछे जस्ट कि ऐसे एक न्यूज़ चैनल ने बोल दिया है तो वो सही ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन सम न्यूज़ चैनल्स रियली डोंट नो अबाउट इट, सो यू शुड लिसन टू द एक्सपर्ट्स ओनली, जो भी इस कैटेगरी में एक्सपर्ट है। ऑल्दो वो किसी अपनी लाइन में एक्सपर्ट होंगे, वी आर नॉट जजिंग देम, बट आपको उन लोगों की सुननी चाहिए दो कि हमेशा ऑथेंटिक चीज को आप बताते हैं। लाइक ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको मिलेंगी, यूर एक्सपीरियंस मैनी पीपल ऑन यूट्यूब, बट आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि हम उतनी देर वीडियो नहीं क्रिएट करते हैं जितनी देर हम अपनी तरफ से 100% सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि ये ऑथेंटिक है, या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, या इन्फॉर्मेशन रियल है, कोई फेक नहीं है, या कोई रूमर नहीं है। सो डैट्स वाई आई एम वेरी लाइक आई वुड से कि आई एम लेट इन लाइक मेकिंग दिस वीडियो, बट मुझे फील हुआ कि आपको अवेयर करने के लिए मुझे बनाना चाहिए। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो स्लॉट्स हैं वो सभी आपको पता है कि 2024 में मिल रहे हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, यूट्यूब अगर कोई वीडियो बना रहा है तो वो जस्ट करंट सिनेरियो बता रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एम्बेसी ने बोला कि भाई जी जो स्लॉट्स हैं वो आगे खुलेंगे नहीं, या जस्ट 2024 के अवेलेबल हैं, तो अगर आपने प्लान करना 2024 के अकॉर्डिंग करो, ऐसा एम्बेसी ने कुछ नहीं कहा। अगर आप अप्लाई यूएस एम्बेसी में कर रहे हो तो सुनो भी यूएस एम्बेसी की। ओके, जो जिन्होंने वीडियो बनाया है, आई एम नॉट सेइंग कि वो इनकरेक्ट है, बिकॉज उन्होंने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आगे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जो न्यूज़ चैनल की मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया, कुछ लोगों ने ऐसा लाइक इंटरप्रेट भी करवा दिया, लोगों को अपनी बातों में इंटरप्रेट करवा दिया कि स्लॉट्स खुलेंगे ही नहीं। सो स्लॉट्स खुलेंगे, एम्बेसी ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आगे स्लॉट नहीं खुलने जा रहे हैं। अभी करंट स्टेटस क्या है कि अभी 2024 के मिल रहे हैं, बट एम्बेसी में ये तो नहीं ना कहा कि लाइक खुलेंगे ही नहीं आगे। ओके, ऑल दो कि कुछ महीने पहले उन्होंने बोला था कि जो बैकलॉग चल रहा है उसके लिए वो नए एम्प्लॉयज़ को लाइक अपॉइंट कर रहा है, जिससे कि वो इंटरव्यू जो है एज रेगुलर जैसे पहले चलते थे कोविड से पहले, वैसे उसको कंटिन्यू कर सकें। सो दे आर मेकिंग एफर्ट टू कंटिन्यू द इंटरव्यू स्लॉट्स। तो फिर ये ऐसा क्यों होगा कि आगे वो स्लॉट्स नहीं देंगे?
अगर उन्होंने कह ही दिया है कि दे आर लाइक मेकिंग एवरी एफर्ट टू रेगुलर दिस थिंग, तो फिर वो रेगुलर करेंगे इसको, ऑल्दो इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि कोविड से काफ़ी देर से लोग ट्राई कर रहे हैं तो वो बैकलॉग हो चुका है. नॉट इन द यूएस, हर कंट्री में वो बैकलॉग चल रहा है. कनाडा ले लो या कोई और कंट्री ले लो, बैकलॉग हर कंट्री में चल रहा है, बिकॉज कोविड के टाइम पे जो फाइल्स से काम प्रोसेसिंग था वो बिल्कुल स्लो हो गया था. तो इसीलिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट. डोंट लाइक डोंट लिसन टू द रूमर्स कि जो लोग मिथ फैला रहे हैं या कोई भी लाइक रूमर्स फैला रहे हैं. यू ऑलवेज लिसन टू द ऑथेंटिक पर्सन या जो एक्सपर्ट्स है इस काम के लिए. लाइक अगर हम वीडियो लाते हैं तो वी विल ट्राई कि हम 100% वेरीफाई करके फिर एक वीडियो क्रिएट करते हैं. ऐसा नहीं है कि इधर से सुना तो इधर वीडियो क्रिएट कर दी. वी लाइक रिसर्च ऑन इट, वी गेट सेटिस्फाइड, देन वी क्रिएट वीडियो. ओके, सो अगर आपको लाइक इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आपको ऑथेंटिक वीडियोज मिले, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट इफ देर इज एनी इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन गेट इट ऑन टाइम. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, चीज पे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स में जरूर मैंशन करें. आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो भी बनाऊँ उस चीज़ के बारे में. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक हिट द लाइक बटन. अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएस जाने के लिए ऑन योर वीज़ा लाइक B1 B2 वीज़ा, गो फॉर इट. डोंट वेट योर टाइम, बिकॉज अगर आप लेट अप्लाई करोगे ऑब्वियसली आपको लेट अपॉइंटमेंट मिलेगी. इफ़ यू आर इन अप्लाइंग राइट नाउ, सो यू माइट गेट सम चांसेस कि आपको जल्दी स्लॉट्स मिल जाए. सो गो फॉर इट. इफ़ यू आर लुकिंग टू ट्रैवल टू यूएस, जस्ट गो फॉर इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी.